विपक्षी गठबंधन इंडिया के तीन प्रमुख दलों के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तल्खी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आप के बीच सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, खासतौर से कांग्रेस और सपा के बीच। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कांग्रेस से खासा नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि विगत एमपी विधानसभा चुनाव में जहां से सपा के प्रत्याशी जीते थे या फिर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, पार्टी इस बार चुनाव में उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। सपा नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप तक लगा दिया है। आम आदमी पार्टी ने तो एमपी की सीटों पर पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतारने का फैसला भी लिया है, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान मामले को थामने की बजाय गर्माने वाला है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार की वजह एक नहीं बल्कि कई है। एमपी में सपा कांग्रेस के बीच रार की प्रमुख वजह सीट शेयरिंग है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन से वो सीटें मांगी थी जो यूपी बॉर्डर से लगती हुई है और जहां पर सपा ने पहले बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसे मांगी हुई सीटें नहीं मिली। अखिलेश यादव का दावा है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि गठबंधन के तहत सपा को 6 सीटें देने पर विचार किया जाएगा, लेकिन जब प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया था, हमारी पार्टी को एक भी सीट कांग्रेस ने नहीं दी। विवाद की मुख्य वजह यही है कि दूसरी वजह ये भी मानी जा रही है, कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 80 सीटों पर चुनावी तैयारी कर रही है। कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 80 सीटों पर चुनावी तैयारी कर रही है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो फिर सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खटाई में पड़ सकता है। इस मसले पर कांग्रेस की ओर से संदेश गया कि वो सभी सीटों की तैयारी कर रही है, जिसमें सपा के लिए कोई जगह नहीं बची। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने एमपी चुनाव को लेकर अभी तक 3 सूची जारी कर चुकी है। पहली सूची में 10, दूसरी सूची में 29 और तीसरी सूची में 30 उम्मीदवारों का ऐलान शामिल है। इस तरह से एमपी में आप अभी तक 69 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। आपने एक साल पहले निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सभी 300 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। अगस्त 2022 में नगर निकाय चुनाव में सिंगरौली में महापौर और कई शहरों में पार्षद का चुनाव जीतने के बाद से आप कार्यकर्ताओं में नया जोश है। पार्टी एमपी विधानसभा में दमखम दिखाने की कोशिश में जुटी है। वहीं आम आदमी पार्टी का संभाग स्तर पर संवाद कार्यक्रम भी काफी प्रभावी रहा। संवाद कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी ने बुंदेलखंड अंचल के मुख्यालय सागर से की। इसमें जुटे नेताओं ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। ऐसे सवाल भी उठता है कि क्या गुजरात की तरह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी एमपी में भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है।